हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के सेशन में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा इंटीग्रेशन का इनिशियल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। तो आज हम लोग इसी को स्टार्ट करते हैं और जो भी बेसिक फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के उसको हम लोग देखते हैं। आप लोगों ने डिफरेंशियल पूरी तरह से समाप्त कर लिया है और डिफरेंशियल के सारे बेसिक फार्मूलों को और जितने भी फार्मूले हैं सब जान चुके हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स होता है, यानी अगर हमको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमें डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है तो इंटीग्रेशन को हम कब तक समझ नहीं सकते। तो हम उम्मीद करते हैं कि डिफरेंशिएशन आप लोगों को समझ में आ चुका है। मैं आज आपको डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स जो प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन स्टार्ट करता हूँ, आपको पूरी तरह से बातें समझ में आएंगी। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। जो बेसिक फार्मूले हैं उसको एक एक करके मैं शुरू करता हूँ। तो आपके जो बेसिक फार्मूले हैं वो आप इसको नोट करते चलिए। हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेडियंट ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, ये कॉस एक्स होता है। तो अगर हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, ये इंटीग्रेशन का हमारा साइन होता है, ये साइन और ये डी एक्स लगाते हैं, यानी दोनों के बीच में जो राशि बंद होती है यही हमारा फंक्शन होता है। ये कॉस एक्स का इसको कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लोग कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या सिंपली हम लोग कहते हैं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष हिंदी में। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है प्लस टाइम साइन एक्स होता है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि साइन को हमने डिफ्रेंशिएट किया था, कॉस मिला था। तो कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन मिलेगा। तो इस सूत्र हमको याद भी नहीं करना, जो भी सूत्र हमें याद है बस हमको दिमाग में अपने कन्वर्ट करते चलना है। फिर हमने पढ़ा था कि जब हम कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो निगेटिव साइन एक्स आता है। तो ठीक इसी तरह से अगर ध्यान दिया जाए तो अगर हम साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट हमको ये माइनस इधर आ जाता है, माइनस टाइम कॉस एक्स मिल जाता है। फिर हमने पढ़ा था, सभी फार्मूलों को मैं लिख देता हूँ, जो भी फार्मूले हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हमने पढ़ा था, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो जब सेक स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स को तो हमको टेन एक्स मिल जाएगा। तो कहीं कोई चीज़ आपको याद नहीं करनी है, कोई दिमाग पर प्रेशर भी नहीं होना है। सेक एक्स टेन एक्स का हमने सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था, सेक एक्स टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो अगर हम सेक एक्स टेन एक्स को जॉइंट अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको कोई चीज़ याद नहीं करना है, सिंपली सेक एक्स हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम लोग पढ़े थे डीडीएक्स ऑफ कोसेक एक्स, तो हमारा मिला था माइनस टाइम कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। तो अगर हम कोसेक एक्स इंटू काट एक्स दोनों को ज्वाइंट रूप से अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमारा ये माइनस, केवल माइनस वाले थोड़ा ध्यान देना, आपको माइनस उधर चला जाता है राइट साइड। अगर इसी माइनस को यहाँ भी रखें तब भी कोई बुराई नहीं है। तो अब जैसे आपको समझ में आ रहा है माइनस को लेके चलना है। फिर हमने पढ़ा था डीडीएक्स ऑफ कॉट एक्स, हमने पढ़ा था माइनस टाइम कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का तो हमको मिल जाएगा माइनस टाइम कॉट एक्स। फिर साइन कॉस टैन सेक कोसेक काट, हमने सबको देख लिया छः फार्मूले को। इसके अलावा हम लोग सेक कोसेक काट बेसिक फार्मूले यही हैं। फिर आइए ई के पावर एक्स पर चलते हैं। ई के पावर एक्स को हम लोग पढ़े थे, ई के पावर एक्स होता है। तो यहाँ भी वही कहानी है, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई के पावर एक्स होता है। मतलब कोई चीज़ हमको याद नहीं करना। डी डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स हम लोग पढ़े थे तो आया था ए के पावर एक्स लाग ए बेस ई, लाग ए बेस ई। तो अगर हम बात करें ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन की बात करें तो ए के पावर एक्स ही होगा। थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर आपको, ये जो क्वांटिटी है वो नीचे ट्रांसफ़र हो जाती है, तो ये नीचे आ जाएगी
लॉग ए बेस ए, तो थोड़ा सा दिमाग, कुछ नहीं दिमाग लगाना, इसको हमने इधर भेज दिया, इसको हम इधर भेज करके इस बात को कर लिए, मतलब हम इस चीज़ को यहाँ न लिख के अगर इसको ऐसे लिख दें तो कोई बुराई नहीं। यहाँ हम लिख दें लॉग ए बेस ए, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी या कांस्टेंट क्वांटिटी बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर हम इसको लिख देते हैं, जैसे इसका हमने किया तो इतना आया, जब इसका करेंगे तो इतना आएगा, तो वो चीज़ आ गया। अब इसको चाहे हम यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई अंतर नहीं है। तो आप इसको याद रखेंगे कि ये नीचे आएगा, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि ये चीज़ हमने याद कर लिया है, तो थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। फिर हम लोग सारे जितने भी फार्मूले पढ़े हैं सब फार्मूला जस्ट रिवर्स है, यहाँ बहुत ज़रूरी हमको लिखना भी नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ इसलिए कि थोड़ा सा आपके दिमाग में वो चीज़ें घर कर जाएंगे। साइन इनवर्स एस का डिफरेंशिएशन होता है अंडर वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर हम वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से कॉस इनवर्स का होता है निगेटिव टाइम इतना ही हो जाता है, यही चीज़ निगेटिव टाइम होता है निगेटिव टाइम। तो अगर हम लोग वन अपा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ निगेटिव टाइम इसको करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर हम वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़े थे सेक इनवर्स एक्स का, छः हम लोग पढ़े हैं सेक इनवर्स एक्स का पढ़े हैं, आता वन अपान अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमको सेक इनवर्स एक्स मिल जाएगा। तो ये सब बेसिक फार्मूले हैं जिसको आप जानते हैं, हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि इसका रिवर्स आपको करना है, रिवर्स आप करते चलेंगे, कहानी सब क्लियर है, देयर इज़ नो डाउट। डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन के सूत्र आपको याद हैं तो इंटीग्रेशन के सूत्र आपको याद हैं। थोड़ी बहुत बातें हैं जो समझानी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे सवाल के माध्यम से, सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो आइए, मैं बहुत ज़्यादा इसको लेक्चर ना देते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, एक्सरसाइज 7.1। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.1 को। बेसिक फार्मूला को मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, टाइम का मैं लिख दे रहा हूँ, निगेटिव टाइम कॉस होता है, कॉस का प्लस टाइम साइन होता है, फिर टेन की बात करें, टेन की बात नहीं करते हम लोग, हम लोग सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स, फिर कोसेक स्क्वायर का माइनस टाइम कॉट एक्स होता है, इसके बाद हमारा सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स, और एक कोसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस टाइम कोसेक एक्स, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स अपान लॉग ए बेस ई होता है, फिर वन बाई एक्स का लॉग एक्स होता है, जैसा कि आप जानते हैं लॉग एक्स का एक बटा एक्स उसमें होता था डिफरेंशिएशन में, तो वन बाई एक्स का लॉग एक्स होता है, फिर वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स हो जाएगा। तो कुछ फार्मूलों को मैं लिख दिया हूँ, बाकी इसी के आधार पर हम लोग प्रोसीड करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1।
7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, 3e के पावर x माइनस 1 अपॉन 5x प्लस sec x प्लस इंटू tan x, sec x इंटू tan x, तो इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा वर्किंग रूल ये है कि हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं, पूरे फंक्शन को कोष्टक से बंद करते हैं और बाहर लिखते हैं dx। तो जब भी हमको कोई फंक्शन दिया हो, दो पद में हो, यहाँ देखिए तीन पद है, 1, 2, 3, तो एक पद वाला है, दो पद वाला है, तीन पद वाला है, उससे कोई मतलब नहीं है। जितने भी पद आएंगे हम लोग एक ब्रैकेट लगाएंगे, इंटीग्रेशन साइन लिखेंगे, लास्ट में dx लिखते हैं। ये हमारा लिखने का तरीका। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इक्वल साइन के साथ और अलग अलग सबको बांट देते हैं, इंटीग्रेशन को सबके साथ बांट देते हैं और सबके साथ dx को भी बांट देते हैं। ये dx इसके साथ आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, फिर इंटीग्रेशन इसके साथ आया और dx आ गया, फिर यही कहानी सबके साथ हो जाएगी। इसको आप समझ जाएंगे, ये हमारा ये वर्किंग स्टेप है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, उसी तरह इंटीग्रेशन में भी हम लोग कांस्टेंट को बाहर करते हैं। तो यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। फिर e के पावर x dx हमने लिख दिया, 1/5 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। 1/x dx को हमने लिख दिया, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ हम डायरेक्ट अपना आंसर भी दे सकते हैं। अब देखिए sec x tan x का sec x होता है, तो sec x tan x, यहाँ हमने sec x लिख दिया। अब इंटीग्रेशन का साइन यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने इंटीग्रेशन का काम कर दिया, अब यहाँ नहीं हुआ इसलिए यूज किए हैं। तो आइए यहाँ भी कर लिया, e के पावर x का इंटीग्रेशन हमने लिख दिया, e के पावर x होता है, 3 तो बाहर है, ये है, इसका काम हो गया, इंटीग्रेशन का साइन खत्म। 1/5 लिख दिया, 1/x का यहाँ लिखे हैं, लॉग x होता है तो लॉग x लिख दिए, और प्लस sec x है, sec x लिख दिए। एक इंटीग्रेशन में ध्यान देना है, हमेशा एक कॉन्स्टेंट जोड़ लेते हैं, जब भी इंटीग्रेशन का आंसर लिखते हैं तो आंसर में एक कॉन्स्टेंट ऐड कर लेते हैं, जिसको कहते हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, सी जैन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, जिसको हिंदी में स्वैच्छिक नियतांक कहते हैं, अपनी इच्छा पर निर्भर स्वैच्छिक नियतांक। तो इसको लिखें ना लिखें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आंसर में हमेशा क्वेश्चन में जब भी आप आंसर देखेंगे तो आपको मिलेगा। इसका यूज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी इसका कोई यूज नहीं है, चुपचाप लिख देना है, इसका कोई मतलब नहीं है, ना इसके किसी मान से हमको मतलब है। इसका हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन समाप्त करने के बाद, एक चैप्टर हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ हम इसका यूज बताएंगे, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। आंसर में हमेशा सी माने कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो आपका आंसर हो गया, इसको आप लोग नोट करते चला, फिर मैं आगे बढ़ते चलता हूँ। फिर आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा है, ऊपर है x माइनस वन, नीचे है x का क्यूब, ऊपर x माइनस वन, नीचे x का क्यूब। तो पहला काम करते हैं, तो ब्रैकेट बंद करेंगे, dx लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, फिर इक्वल साइन करेंगे। इक्वल साइन के बाद हम लोग कोशिश करते हैं इंटीग्रेशन में, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो आपको याद करनी है, अगर आप याद नहीं करेंगे तो हमेशा परेशान जाएंगे, क्वेश्चन को सोच नहीं पाएंगे। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो बटे का अगर एन बाई डी कोई फंक्शन हमको मिलता है, एन बाई डी, तो डी को आप ख़त्म कर दीजिए, इसको कुछ ऐसा कर दीजिए कि डी दिखे ही ना, आँख से उजल हो जाए। तो ये डिनोमिनेटर को गायब करते हैं, जब तक ये गायब नहीं होगा तब तक इसका हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन में एन बाई डी का कोई आज तक सूत्र बना ही नहीं है, एन बाई डी का नो फार्मूला, इसका कोई फार्मूला ही नहीं बना है। तो हम लोग कैसे इसको आगे टेकल करेंगे समस्या को, हम लोग डी को गायब करते हैं। अब डी को गायब करने के लिए जितना हमारे पास क्षमता, अपनी पूरी क्षमता लगा लेते हैं कि डी को एकदम ख़त्म कर दिया जाए। अब डी ख़त्म करने के लिए हम लोग कभी रैशनलाइज करते हैं, कभी सूत्रों का प्रयोग कर देते हैं, कभी फैक्टर करके काट देते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल कर देते हैं, कुछ ना कुछ करना आपको, वो बताएगा सवाल का सिचुएशन, सवाल जैसा आता है वो जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है उसके अनुसार हम लोग डी को गायब करना है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। आइए डी को यहाँ देखिए कैसे गायब करते हैं, मैं डी को दोनों के साथ बांट देता हूँ डिनोमिनेटर को, तो ये डिनोमिनेटर को हमने दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सॉल्व करूँगा सवाल को, क्योंकि जब तक नीचे गायब नहीं होगा तब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब यहाँ से ये ऊपर चला गया तो 1-3 हो गया,
और ये एक्स पर माइनस थ्री हो गया। अब सवाल हमारा इतना हो गया, देखिए डी गायब हो गया, यानी सवाल में डिनोमिनेटर अब नहीं रह गया, अब सिर्फ आप देख रहे हैं हमने निगेटिव पावर में चेंज कर लिया, डिनोमिनेटर गायब हो गया, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों था, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर खत्म हो गया। तो यही आपको काम करना है, वो सवाल जैसा आएगा उसके अनुसार हम लोग अलग अलग ढंग से सोचते रहते हैं। अब आइए इसका हम कर लेंगे। तो एक फार्मूला जो मेन फार्मूला था वो हमने आपको बताया ही नहीं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रेशन का वो एक्स के पावर एन, यही हमारा पहला फार्मूला है जो होता है एन प्लस वन नीचे एन प्लस वन, ये होता है एक्स पर एन प्लस वन, एक्स के पावर एन का जब करते हैं तो एन प्लस वन ऊपर भी और बटे के नीचे एन प्लस वन। तो इसी फार्मूले से दोनों हमारे सवाल लग जाएंगे। तो आइए अब पहले मैं अलग अलग करता हूँ, एक्स पर माइनस टू डी एक्स और माइनस एक्स पर माइनस थ्री डी एक्स, क्योंकि अलग अलग करते हैं हम लोग, ये हमारा वर्किंग रूल है। फिर अब अगले स्टेप में अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो लिखेंगे एक्स पर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन। अब हमने फार्मूला लगा दिया सबसे लास्ट वाला, माइनस बीच में साइन है माइनस साइन, फिर यहाँ भी वही फार्मूला माइनस थ्री प्लस वन माइनस थ्री प्लस वन। तो अब इसको एक्स पर ऊपर माइनस वन हो गया नीचे भी माइनस वन, यहाँ एक्स पर माइनस टू हो गया नीचे भी माइनस टू, तो ये माइनस इसके सामने हम ले लेते हैं, इसको वन बाई एक्स लिख देते हैं, ये माइनस मैं इसके सामने ले लेता हूँ और इसको वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। आंसर हमारा निकल गया, देखिए यहाँ इंटीग्रेशन हो गया इसलिए इंटीग्रेशन का साइन यहाँ गायब कर दिया, डी एस को गायब कर दिया। तो जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो साइन हटा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा और सॉल्व करके शुद्ध रूप में आंसर लिखते समय सी लगा देते हैं, ये माइनस आ रहा है ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइन इनवर्स कॉस एक्स। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीन समझते हैं, साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। चूंकि ये डबल फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, तो हमको इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना होगा। तो आइए इसको सब्स्टिट्यूशन यूज करने के लिए हम इसको अगर मान लेंगे कोई दूसरा वेरिएबल तो साइन इनवर्स समथिंग हमारा सिंगल फंक्शन बन जाएगा। तो हम कॉस एक्स को मान लेते हैं एक वेरिएबल टी। अब जो वर्किंग स्टेप हमारा है, जब भी हम इंटीग्रेशन में कोई चीज़ रिलेट करते हैं मानते हैं तो हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स जो यहाँ शुरुआती होता है वही यहाँ लिखते हैं, सेकंड वाला आपको नहीं लिखना है, सेकंड जो हम बदल रहे हैं वो टी है तो टी नहीं लिखना है, हम जिसको बदल रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो हमारा डी बाई डी एक्स दोनों तरफ आएगा, कॉस एक्स यहाँ लिख देंगे और यहाँ भी हमको डी बाई डी एक्स है लिखना है, जो भी यहाँ है वो लिख देंगे, टी है तो टी लिख देंगे। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस टाइम साइन एक्स होता है और इसका नहीं होगा तो इसको डी टी बाई डी एक्स लिख ही देंगे। डी एक्स को हम लोग यहाँ लाते हैं, तो डी एक्स को यहाँ लाएंगे और डी एक्स की वैल्यू ही जनरली फाइंड आउट की जाती है। तो हम यहाँ डी एक्स ला दिए, माइनस साइन को इधर ट्रांसफ़र करेंगे और साइन को भी ले जाएंगे, तो माइनस यहाँ आ गया और साइन भी यहाँ आ गया। अब हम देख रहे हैं कि इधर एक्स है इधर टी होना चाहिए, जैसा कि हमने माना है इधर एक्स होना चाहिए इधर टी, लेकिन नीचे गड़बड़ है तो इसको हमको थोड़ा सा और कन्वर्जन करना पड़ेगा, टी में बदलने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसको हम काड़ी में साइन स्क्वायर पहले लिख रहे हैं, फिर काड़ी में साइन स्क्वायर, चूंकि हमने कास को माना है टी तो हम इसको कास में चेंज कर देंगे तो टी में चेंज हो जाएगा, तो इसको कास स्क्वायर एक्स लिख दिए। ऊपर तो डी टी रहेगा ही, डी टी अपान कास स्क्वायर माइनस टाइम, फिर माइनस टाइम डी टी ऊपर और नीचे अंडर रूट में वन माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब हमारा सवाल ट्रांसफर हो गया, तो अब सवाल को हम सही ढंग से लिखेंगे। अब इसको लिख देंगे साइन इनवर्स, जहाँ कास था वहाँ टी भर देंगे तो साइन इनवर्स टी हो गया, और डी एक्स के स्थान पर इतना भरेंगे क्योंकि ये डी एक्स की कंप्लीट वैल्यू इतनी है, तो डी एक्स की वैल्यू भर देंगे माइनस के साथ डी टी अपान अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, ये पूरा कंप्लीट। अब सवाल हमारा टी में चेंज हो गया। अब देख रहे हैं कि सवाल में हमारे डबल फंक्शन आ गया, तो हम लोग डबल को भी सिंगल बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे सिंगल बनाएंगे इसके लिए, फिर देखिए मैं सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूँ, इसी को फिर मैं दूसरा वेरिएबल मान रहा हूँ, चूँकि इसका अवकलन ये चीज़ आता है। कैसे हम जानेंगे, तो थोड़ा सा आपको दिमाग में सारी चीज़ें हैं आपके, थोड़ा सा रिमाइंड करना है। क्या रिमाइंड करना है,
कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इतना होता है। तो अगर कोई चीज़ इसमें लिखा हो और सवाल में इसका डिफरेंशिएशन भी दिख रहा हो, यानी फंक्शन भी है इसका डिफरेंशिएशन भी है, तो ये बताता है कि यहाँ आपको मानना पड़ेगा। तो आप देखा साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1/√1 − t² होता है, यानी आप देख रहे हैं, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर मिल गया, सवाल में ही मिल गया, तो मानना पड़ता, तुरंत मान करके सवाल छोटा कर लेंगे। तो फिर हम यहाँ साइन इनवर्स टी को हम कोई दूसरा वेरिएबल यू मानते हुए और फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, अब किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के, पहला क्या है टी है, तो टी के रिस्पेक्ट में, तो डी अपॉन डी टी लिखेंगे और इधर जो है उसको लिखेंगे, और इधर भी डी अपॉन डी टी लिखना है, जो उधर है उसको उधर लिखना है। इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमें पता है 1 − x² होता है, यहाँ टी है तो टी स्क्वायर होगा, और इसका तो होगा ही नहीं चूँकि वेरिएबल डिफरेंट है, तो लिखना ही लिखना है। अब फिर क्या करते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, एक तरफ टी होना चाहिए, एक तरफ यू होना चाहिए, तो यहाँ बड़ी आसानी से हमारा सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाएँ तरफ टी दिख रहा है, दाएँ तरफ यू दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो हमने मेहनत करना पड़ा, यहाँ मेहनत नहीं करना है। तो अब देखिए, अब इसके स्थान पर हम अगर माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करना ज़बरदस्ती यहाँ, तो ये वैल्यू हमको सवाल में दिख रही है, आप देखें एकदम दिख रही है, तो इसके स्थान पर माइनस डी यू लिख देंगे, तो इसके स्थान पर माइनस के साथ डी यू लिख दिए इसके स्थान पर, और यहाँ यू लिख देंगे जैसा कि हम मान चुके हैं, तो हम यहाँ यू लिख देंगे, तो हमारा सवाल जो है अब माइनस को बाहर कर लेंगे, चूँकि माइनस कांस्टेंट है, माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस को हमने बाहर कर लिया और हमारा फंक्शन, अब सवाल हमारा बहुत छोटा हो गया, जो हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले में बदल गया। तो ये चीज़ आपको मेहनत करना है कि जब भी डबल फंक्शन देगा तो एक बार मान के, दो बार मान के, तीन बार मान के क्या कर सकते हैं, वो आपको सोचना है, किसी तरह से सवाल को स्टैंडर्ड बनाना है। स्टैंडर्ड बनाने का क्या मतलब, कि जो हमारे सिंगल फार्मूले हैं उन फार्मूलों में चेंज करना है। तो ये एक्स का फार्मूला होता है, अब इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन होता है यू पर 1 + 1/(1+1) प्लस एक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं स्वस्थ के समय, तो और निगेटिव साइन बाहर यहाँ माइनस रहेगा, तो माइनस टाइम यू पर 2/(2) प्लस कांस्टेंट, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमको जब भी आंसर लेना है तो एक्स के रूप में लेना है, क्योंकि हमारा सवाल एक्स में, तो यू को हम पहले आएंगे टी में बदलेंगे, देखिए यू को पहले मैं टी बना रहा हूँ क्योंकि दो कन्वर्जन हुआ है, तो टी बना करके वर्ग है तो वर्ग लिखा गया, माइनस टाइम के साथ बटा दो भी है तो बटा दो भी लिखना है, प्लस कांस्टेंट, फिर अभी भी एक्स में नहीं पहुंचा है तो अभी एक्स बनाना है, तो एक्स कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से इसको भी मेहनत करना है, थोड़ा सा यहीं से मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहीं से अगर एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी, लेकिन फिर वो कन्वर्जन करना ही है, वही पाई बाई टू वाला सूत्र ही बढ़िया है, साइन इनवर्स टी है तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स टी इसको लिख सकते हैं, धीरे धीरे फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे इसको, 2 है प्लस कांस्टेंट, तो ये माइनस टाइम 1/2 हो गया, और इसको मैं खोल दे रहा हूँ, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर बटा 4 प्लस कॉस स्क्वायर टी कॉस इनवर्स टी का वर्ग, और कॉस टी का मान भेज दिया है, कॉस इनवर्स टी का मान यहाँ से हो जाएगा, यहीं से कॉस इनवर्स कॉस को जब टी के साथ ले आएंगे तो कॉस इनवर्स टी बनेगा ये, और यहाँ से एक्स फ्री हो जाएगा, तो एक्स बराबर कॉस इनवर्स टी बनेगा, तो मैं यहाँ मान भर करके, लेकिन एक लाइन अभी और चलने दिया जाए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी यहाँ न खोलते हुए पहले लिखा जाए पाई बाई टू माइनस एक्स पर 2 प्लस कॉन्स्टेंट, तो अभी हो जाएगा माइनस आप, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसका इसका गुणा दोष करेंगे, दो कट के पाई एक्स होगा प्लस कांस्टेंट, तो फिर हम लोग मेन पूरे आंसर पर पहुंच जाएंगे, इसका मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस पाई का स्क्वायर अपान 8 मिलेगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर हाफ टाइम होगा, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर होगा, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस पाई एक्स बाई 2 होगा,
प्लस कांस्टेंट, तो आंसर लिखते समय कांस्टेंट को भी हम लोग भूल जाते हैं पूरी तरह का। इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो वो नहीं छोड़ेंगे, उसको लिखेंगे, लेकिन केवल कांस्टेंट किसी पद में आ गया छोड़ देते हैं। तो आंसर आएगा हमारा माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर और प्लस पाई एक्स बाई टू, या इसको लिख सकते हैं पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एक साथ और प्लस कांस्टेंट सी। सी को लिखें ना लिखें कोई मतलब नहीं, लिख देंगे तो शुद्ध है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। आइए इसी को एक दूसरे तरीके से सोचते हैं। अगर यहाँ आपको इनवर्स दिखता है साइन का, तो यहाँ साइन बना लिया जाए ताकि साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। इसी को आगे बढ़ा देते हैं, तो ये साइन इनवर्स और कास को हम साइन बना सकते हैं 90 अंश पर, 90 अंश माइनस एक्स कर देंगे इसको, तो साइन 90 अंश माइनस एक्स कास एक्स होता है, साइन इनवर्स और ये साइन कैंसिल हो गया, तो हमारा सवाल मिला पाई बाई टू माइनस एक्स। पाई बाई टू माइनस एक्स का हम इंटीग्रेशन हम अलग अलग करेंगे, तो एक पाई बाई टू को लिखेंगे डी एक्स, माइनस एक्स को डी एक्स लिखेंगे। पाई बाई टू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर लिख देते हैं, हम वन लिख देंगे, कुछ नहीं है तो वन मानते हैं, और इसका हम कर देंगे वन प्लस वन अपान वन प्लस वन, सूत्र होता है एक का एक्स होता है इंटीग्रेशन, तो पाई बाई टू पहले से है और माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये देखिए दूसरे तरह से भी हमारा इसलिए आंसर आ गया। ऐसे भी सवाल लोग कर सकते हैं प्लस कांस्टेंट, इसको भी आप नोट करें। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, ए के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है ए के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो थोड़ा सा यहाँ हम एक सुधार कर ले रहे हैं, दोनों को कंबाइन करके ए और ई दोनों को हम कंबाइन कर दे रहे हैं, कंबाइन करके एक्स पावर लिख दे रहे हैं। अब हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला होता है ई के पावर एक्स डी एक्स जिसकी वैल्यू आती है ई के पावर एक्स, दूसरा फार्मूला था ई के पावर एक्स डी एक्स जिसकी वैल्यू आती है ई के पावर एक्स अपान लाग ए बेस ई। ये दो फार्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आइए समझते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज किया जाए। यहाँ देख रहे हैं आप दो फंक्शन का गुणन है, थोड़ा सा हमने दिमाग लगा करके इसको एक साथ गुणा करके अब पावर एक्स को एक साथ लिख दिया, जैसा कि घातांक का नियम है। घातांक का नियम है अगर एक पर भी एक्स पावर हो, एल पर भी एक्स पावर हो, तो ए एल को संयुक्त करके एक्स पावर लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से ए पर एक्स था, ई पर एक्स था, तो हमने संयुक्त कर दिया और एक्स पावर लिख दिया। अब इसमें कौन सा सूत्र यूज होगा इन दोनों में से हमें विचार करना है, तो विचार क्या करना है यहाँ देखिए, अगर ई रहेगा तभी हम ई यूज करेंगे, लेकिन ई के अलावा कुछ भी हो तो ये होता है, ये जनरल फार्मूला है, एक पर्टिकुलर फार्मूला, पर्टिकुलर का मतलब यह एक ही जगह यूज होगा, ये दवा सिर्फ बुखार में दिया जाएगा, आए दवा हर बीमारी में दिया जाएगा, ये हर जगह यूज होता है, क्योंकि ये जनरल कंडीशन है, ये जनरल वैल्यू हो सकती है, जबकि ये पर्टिकुलर वैल्यू है। ए का मान 2.7 होता है, यहाँ ई का मान 2.7 होता है, ए का मान कुछ भी हो सकता है, तो ये कुछ भी वाला, क्योंकि ये का गुणा 2.7 हो गया तो कुछ और आएगा, इसका मतलब सेकंड फार्मूला यूज होगा। तो सेकंड फार्मूला क्या कहता है आंसर, कि ए के पावर जो यहाँ है पहले उसको लिख दीजिए, तो जो यहाँ है पहले हम उसको लिख देंगे, तो हम लिख दिए, लिखने के बाद नीचे लाग लिखते हैं, लाग में यहाँ ई लिखते हैं और यहाँ जो यहाँ है यही लिख देंगे, तो ये हो गया, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। अगर इस आंसर को थोड़ा और हम ठीक करना चाहें तो ए को एक एक के पावर को हम बांट भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, चूंकि यहाँ गुणन है लाग के रूप में, तो ऐसे भी होगा और प्लस ऐसे भी होगा, ऐसे भी हम कर सकते हैं, गुणन है तो ये प्लस में बदल जाता है। फिर अगर और इसको ठीक करना है तो हम इसको तो लिखेंगे लाग ए बेस ई, या प्लस इसको वन भी लिख सकते हैं, तो आप देख लेंगे जिस तरह आपका आंसर होगा आप हर स्टेप को आंसर बना सकते हैं, जैसा आपको किताब में दिया होगा वैसा आप बना लेंगे, तो इसको आप नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
टू के पावर एक्स प्लस थ्री, थ्री के पावर एक्स, टू के पावर एक्स प्लस थ्री के पावर एक्स अपान फाइव के पावर एक्स। आप देखें तो ये जो सवाल है हमारा एन बाई डी का है, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर। अभी हमने आपको बताया कि डिनोमिनेटर को गायब करना पड़ता है, तो अब गायब करना ही पड़ेगा यहाँ भी। तो इसको गायब करने के लिए थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने हर को डिनोमिनेटर को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसको चूंकि पावर सेम है तो क्यों ना दो बटा पाँच पर एक्स लिख दिया जाए, आया तीन बटा पाँच पर एक्स लिख दिया जाए। तो ये जो है अभी जनरल वैल्यू हो गई। जनरल वैल्यू का मतलब ये होगा कि दो बटा पाँच कोई वैल्यू होगी, उसका हमको करना है तो हम वो दूसरा वाला फार्मूला फिर यूज कर लेंगे। दो बटा पाँच को हम ये मान ले रहे हैं तो ये पर एक्स का फार्मूला, यहाँ भी ये मान ले रहे हैं तो ये पर एक्स का फार्मूला। तो न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर हमारा गायब हो गया। एक कंप्लीट कोई वैल्यू आएगी, जैसे वैल्यू क्या आएगी इसकी, पॉइंट फोर आएगी। आप भी समझ रहे होंगे पॉइंट फोर आएगी। ये कितनी वैल्यू आएगी, पॉइंट सिक्स आएगी। तो ये तो हमारा न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर गायब हो गया, सिर्फ हमारा न्यूमरेटर में सवाल चला गया। तो अब इस काम कर लेंगे। अब कितना होता है तो इतना ही होता है, बटा लाग में आता है पॉइंट फोर बेसी हो जाएगा, प्लस पॉइंट सिक्स टू द पावर एक्स अपान लाग पॉइंट सिक्स और बेसी हो गया पॉइंट फाइव को आप यही लिख सकते हैं जो ऊपर लिखा है, फाइव टू थ्री बाई फाइव, थ्री बाई फाइव कैसे आपको आंसर मिल जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट टेंसर लिखते समय लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ई की पावर लाग एक्स अपान एक्स, ई टू द पावर लाग एक्स कुल का अपान एक्स, ये हमारा सवाल है। तो एक सूत्र चलता है, ये हमारा फार्मूला होता है, अगर ई के पावर में लाग हो तो लाग ई कैंसिल हो गया, सिर्फ एक्स मिलता है। इसको आप नोट कर लें फार्मूले को। तो यहाँ ई हम मान सकते हैं, जो नहीं लिखा पी माना जाता, तो लाग ई कैंसिल हो गया, तो ऊपर एक्स नीचे भी एक्स। तो थोड़ा सा हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया तो हमारे सवाल का उत्तर सिर्फ एक आया। एक का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, एक का इंटीग्रेशन भी x होता है, प्लस कांस्टेंट जोड़ लेंगे, हमारा आंसर हो गया। हम सेवन नंबर पर चलते हैं। तो सेवन नंबर का सवाल है, e के पावर x लाग ए, e के पावर x लाग ए प्लस e के पावर a लाग x, e के पावर a लाग x प्लस e के पावर a लाग ए, e के पावर a लाग ए। सवाल नंबर सेवन, इसको आप ध्यान दें। तो इस फार्मूले का बहुत बड़ा महत्व है, यहाँ भी हम इस फार्मूले को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ e के पावर डायरेक्ट लाग होना चाहिए, यहाँ डायरेक्ट लाग नहीं है बल्कि x आ गया है। तो लाग के नियम से हम थोड़ा सा सुधार करेंगे, इस x को इसका पावर बना देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लाग में पहले कोई चीज़ है तो घात बन जाती है, तो हम लिख देंगे लाग a के पावर x यहाँ, प्लस यही काम यहाँ भी करेंगे, लाग x के पावर a लिख देंगे, ये यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, यही काम यहाँ भी करेंगे। तो हो जाएगा e लाग a के पावर a हो गया। अब हम लाग को ई को कैंसिल करेंगे, लाग को ई को कैंसिल करेंगे, लाग को ई को कैंसिल करेंगे। तो अब सवाल हमारा कितना बन गया, यहाँ देखिए, तो हमारा सवाल यहाँ बना ए के पावर एक्स, यहाँ बन गया एक्स के पावर ए, हाँ यहाँ बन गया ए के पावर ए। तो सवाल का रूप हमारा अच्छा हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, ए के पावर एक्स लाग ए बेस ई प्लस एक्स के पावर ए का हो जाएगा, एक्स के पावर ए प्लस वन, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट पर वो एक्स के पावर एन वाला लगता है। आए तो कांस्टेंट के पावर एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। फिर यहाँ ए के पावर ए है, तो ए के पावर ए को पूरी तरह से कांस्टेंट है, तो पूरी तरह के कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, सिर्फ इसमें एक का इंटीग्रेशन एक्स मान लेते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, प्लस कांस्टेंट के साथ आंसर। सवाल नंबर एट है, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर, आठवां सवाल। तो इसको देखिए कैसे, यहाँ भी एन बाई डी आया हुआ है,
न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर को गायब करना है, तो डिनोमिनेटर को गायब करने के लिए हमें सोचना होगा कि कैसे डिनोमिनेटर गायब होगा। तो इसके लिए एक काम मैं कर ले रहा हूँ, इसमें एक जोड़ ले रहा हूँ, एक घटा ले रहा हूँ, जिसे कुछ ना कुछ आपको सोचना ही सोचना है, किसी तरह से डिनोमिनेटर या तो गायब हो जाए, और न गायब हो तो कोई न कोई स्टैंडर्ड फार्मूला मिल जाए, ये भी ध्यान देते हैं, क्योंकि बहुत से फार्मूले हमारे बटे के रूप में हैं। जैसे हमारा कितना फार्मूला बटे माता हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, इसका होता है टेन इनवर्स एक्स, इसका टेन इनवर्स एक्स मान आता है, तो अगर ये चीज़ मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नॉ डिनोमिनेटर गायब हो तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। ये मिला हुआ है, मिला तो हुआ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ऊपर वन नहीं है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पर काम नहीं करेगा, जो स्टैंडर्ड है वही मिलना चाहिए, अगर ऊपर वन है तो हमको ऊपर वन है चाहिए और नीचे जो है वो चाहिए, तो ऊपर हम देख रहे हैं कि वन नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को किसी तरह से वन बना लिया जाए। इसके लिए हमने एक जोड़ लिया, एक घटा लिया, अब इन दोनों को हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं और इस हर को दोनों के साथ बांट देते हैं, पहला पद ये दूसरा पद, तो हम दो बटा बना लेंगे, पहले बटे के ऊपर वन प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे भी वन प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा जो है वन। ये क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ऊपर है, नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने आपको बता दिया था कि जब भी न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर का कोई सवाल आता है तो डिनोमिनेटर को गायब करना ही हमारे लिए फायदे की बात होती है। यहाँ हम एक थोड़ा सा काम कर ले रहे हैं, एक जोड़ ले रहे हैं और एक घटा ले रहे हैं, ताकि मान में कोई अंतर ना हो। वन प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस वन, तो इसको मैं हर को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूँ, ये चीज़ एक बार इसके साथ और यही चीज़ एक बार इसके साथ, ये दोनों कैंसिल हो गया और ये हमारा एक स्पेशल फार्मूले में आ गया। वन का हम एक्स कर लेंगे इंटीग्रेशन, और इसका टेन इनवर्स एक्स होता है, तो ये हमारा ये का एक्स हो गया, इसका ये हो गया, ये हमारा एंड हो गया सवाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो ये काट स्क्वायर है ऊपर, तो हम इसको कास स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको तोड़ दे रहा हूँ, कास एक्स को कास एक्स नीचे लिख दे रहा हूँ, तो ये कास हमारा ऊपर से कास नीचे से कट गया, नीचे दो साइन है, साइन पर दो पावर है, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स हम इसको लिख देते हैं, और ये कास है, कास को मैं लिख देता हूँ, तो ये कास बटा साइन हमारा काट बन जाएगा, और इसको एक गुणा मान सकते हैं, एक बटा साइन हमारा कोशेक बन जाएगा, तो ये हमारा सवाल बन गया काट इंटू कोशेक, और काट इंटू कोशेक का हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन का सूत्र होता है, जिसकी वैल्यू आती है माइनस टाइम कोशेक एक्स, तो ये प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर हो गया। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ दो पावर है, तो दो पावर में हम भी ध्यान देंगे क्या इसका सूत्र होता है, तो उत्तर है नहीं, हमको सेक स्क्वायर का होता है, तो सेक स्क्वायर को इसको हम सेक स्क्वायर एक्स में चेंज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं। अब हमारा सेक स्क्वायर का होता है, तो हमारा समस्या समाप्त हो गया, अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख देंगे, माइनस वन टाइम डी एक्स लिख देंगे, तो सेक स्क्वायर का टेन एक्स होता है जो हमें याद है, और एक का एक्स होता है प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर हो गया। तो जब भी स्क्वायर आता है तो स्क्वायर में हम देखते हैं किसका फार्मूला हमें मालूम है, उसी में ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये होल स्क्वायर आ गया, तो होल स्क्वायर को हम खोल देते हैं पहले, तो ये होगा काट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन एक्स इंटू काट एक्स, ये इतना हो गया, इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब देखिए टेन एक्स काट एक्स आपस में गुड़ा हो तो साइन बटे कास, कास बटे साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से नीचे सब कट जाएगा, टेन काट गुड़ा है कट जाता है, माइनस टू हो गया, और काट स्क्वायर का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, चूँकि हम इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि काट स्क्वायर का इंटीग्रेशन का सूत्र हमें पता नहीं है, हमको कोसेक स्क्वायर का पता है,
तो हम इसको कोसेक में चेंज कर लेंगे। टेन स्क्वायर अभी आप देखें नहीं पता है, तो इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में चेंज कर लेंगे। अब सेक स्क्वायर का हमको पता है, इसलिए आप कन्वर्जन पर ध्यान देंगे। कन्वर्जन करेंगे तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसका सूत्र ना मालूम हो उसको दूसरे रूप में, जिसका सूत्र मालूम है उस रूप में आप कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम माइनस वन और माइनस टू, माइनस फोर हो गया किनारे। फिर हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे आसानी से। सवाल को हमने सिर्फ कन्वर्जन किया, कुछ किया नहीं है, कन्वर्ट कर लिया। किस रूप में कन्वर्ट करेंगे? जिसका सूत्र मालूम है। इसलिए सूत्र को याद करना बहुत जरूरी है। जब तक सूत्र आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप सोच नहीं पाएंगे कि हम सवाल को कैसे प्रोसीड करें। तो कोसेक स्क्वायर का हो गया हमारा माइनस टैन कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर का टैन होता ही है, और फोर कांस्टेंट है एक का एक्स हो गया, प्लस कांस्टेंट ये हमारा आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ऊपर है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने आपको बता दिया था कि जब भी न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर का कोई सवाल आता है तो डिनोमिनेटर को गायब करना ही हमारे लिए फायदे की बात होती है। यहाँ हम एक थोड़ा सा काम कर ले रहे हैं, एक जोड़ ले रहे हैं और एक घटा ले रहे हैं ताकि मान में कोई अंतर ना हो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1, तो इसको मैं हर को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूँ। ये चीज़ एक बार इसके साथ और यही चीज़ एक बार इसके साथ, ये दोनों कैंसिल हो गया और ये हमारा एक स्पेशल फार्मूले में आ गया। 1 का हम एक्स कर लेंगे इंटीग्रेशन, और इसका टैन इनवर्स एक्स होता है। तो ये हमारा ये का एक्स हो गया, इसका ये हो गया, ये हमारा एंड हो गया सवाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो ये कॉट स्क्वायर है ऊपर, तो हम इसको कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको तोड़ दे रहा हूँ, कॉस एक्स को कॉस एक्स नीचे लिख दे रहा हूँ। तो ये कॉस हमारा ऊपर से कॉस नीचे से कट गया, नीचे 2 साइन है, साइन पर 2 पावर है, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स हम इसको लिख देते हैं, और ये कॉस है, कॉस को मैं लिख देता हूँ। तो ये कास बटा साइन हमारा काट बन जाएगा, और इसको एक गुणा मान सकते हैं, एक बटा साइन हमारा कोसेक बन जाएगा। तो ये हमारा सवाल बन गया काट इंटू कोसेक, और काट इंटू कोसेक का हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन का सूत्र होता है, जिसकी वैल्यू आती है माइनस टाइम कोसेक एक्स। तो ये प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऊपर कास एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको देखिए, यहाँ भी n बाई डी का सवाल है, डिनोमिनेटर को गायब करना होगा। इसमें भी हम 1 ऐड कर ले रहे हैं और सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, एक जोड़ लिए घटा दिए, और 1 प्लस कॉस को दोनों के साथ मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, दोनों के साथ बांट देता हूँ। तो ये वाली कहानी तो ख़त्म हो गई, एक बन गई, आसान हो गया हमारा सवाल 1 टाइम डी एक्स। और इसको मैं अलग एक सवाल बना करके 1 प्लस कॉस एक्स को खोल दे रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू वाले में, एक्स बाई टू माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 भी गायब हो गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 1 बटा 2 कॉस स्क्वायर आ गया, 1 बाई टू बाहर, अंदर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख देंगे माइनस के साथ। 1 का हमारा एक्स इंटीग्रेशन हो गया, और इसको भी हम सेक स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। एंगल के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। एक्स माइनस हाफ हो गया, और सेक स्क्वायर का हमारा टैन होता है एक्स बाई टू है, तो हम भी एक्स बाई टू लिखेंगे। एक काम और करते हैं कि जब भी हमारे वेरिएबल के साथ कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर वो प्रॉब्लम गुणा भाग के रूप में है, तो अगर भाग है, देखिए यहाँ एक्स में 2 का भाग है, तो जब वेरिएबल में भाग होता है तो हम उस जगह गुणा कर लेते हैं, और जब वेरिएबल में गुणा होता है तो हम भाग दे देते हैं, यानी उल्टा काम करेंगे। हम देखेंगे हमारे एक्स के साथ कौन सी घटना है, तो उसका उत्तर है भाग देने की क्रिया हुई है, किससे? 2 से भाग दिया है, तो हम अपने सवाल में 2 का गुणा कर लेंगे, तो इसकी समस्या समाप्त हो जाती है। 2 कैंसिल हो गया और टेन एक्स बाई टू हो गया। तो आप ध्यान देंगे, वेरिएबल में अगर गुणा होगा यहाँ तो आप भाग देंगे,
यहाँ भाग होगा तो आप गुणा करेंगे, उल्टा काम करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, प्लस कांस्टेंट लिख देंगे हमारा आंसर आ गया। तो इसको आप नोट कराएं, बारह तेरह आइए आज के सेशन को हम लोग यही समाप्त करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 जो चैप्टर 7 हमारा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसका हम लोग काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो भी टेक्निकल क्वेश्चन रहे हैं इसमें जो भी शेष क्वेश्चंस बचे हैं ये आपके लिए मैं होमवर्क के रूप में देता हूं। इसको आप सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी इसको व्हाट्सएप के माध्यम के फ़ोन के माध्यम से आप हमको बताएँगे, स्वतः बात भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।